असराहान में जा रहा हूँ 4 साल बाद में। भाई ये होता है हॉस्टल में, है ना, ओमेगल में सब बिनबिना रहे आगे पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं जा रहा हूँ अस्त्राखान में जा रहा हूँ 4 साल बाद में। फर्स्ट ईयर में गया था अस्त्राखान और अभी मेरी ट्रेन आने वाली है, 4-5 मिनट बाद ट्रेन आ जाएगी, फिक्स टाइम पे ट्रेन आती है। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और ट्रेन में ही सोऊंगा क्योंकि 19 घंटे लगेंगे मेरे को यहाँ से जाने में अस्त्राखान, और देखते हैं ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है, आपको बताता हूँ मैं सब कुछ। 19 घंटे ट्रेन के अंदर ही सफ़र करना है मेरे को और सोते हुए जाऊंगा आराम से क्योंकि पूरी रात नहीं सोया, इस कारण सोचा कि ट्रेन के अंदर आराम से सोऊंगा। मैं ट्रेन के अंदर हूँ और अस्त्राखान जा रहा हूँ, मेरे को 6 घंटे हो गए ट्रेन के अंदर, 6-6.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं और यहाँ पे सब सो रहे हैं। अभी मेरे को क्या भूख लग रही थी तो मैं थोड़ा टॉयलेट जाऊँगा अभी, बट सामान मैंने निकाल लिया। देखो मैं पोहे बना के लेके आया था 2 डब्बे में, एक अभी खा लूँगा एक बाद में खा लूँगा, तो अभी कुछ मूवी देखता देखता आईपैड में कुछ खा लेता हूँ क्योंकि भूख लग रही है। जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, रात के 1 बजे पहुँचा और अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं अभी, तो बहुत टाइम है मेरे को पूछने में। यहाँ पे मतलब 12 बजे तो सब लोग उठ रहे हैं, सो रहे थे क्योंकि रात में ट्रेन में सोने का मज़ा आ रहा है। यहाँ पे भी कोई तो स्टेशन है, कोई तो गाँव है, पता नहीं रुके कि नहीं रुके, बट देखो बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ अभी। सो गाइस देखो अभी जो मेरी ट्रेन वो सराता पहुंच गई है, ये बहुत अच्छी सिटी है, जल्दी सिटी के अंदर भी मैं जाऊंगा। तो अभी मैं सराताओ के अंदर हूँ, ट्रेन के अंदर हूँ भी, बाहर ठंड है तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कोट ऊपर रखा है। ट्रेन लगभग आधा घंटा रुकेगी यहाँ पे, देखो ये ट्रेन है ऐसी, ये मेरी सी जगह है सोने की, यहाँ सोते हुए आया था। ट्रेन के अंदर सारी सुविधा है इसके अंदर, देखो ऊपर सामान रखने का भी, लाइट बंद है तो थोड़ा अंधेरा सा है, सब कुछ मिलता है इसमें। देखो बाहर इधर तो ट्रेन खड़ी है, देखो अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ठंड है। मैं सोच रहा हूँ कभी क्या ही करूँ, अंदर ही बैठा रहता हूँ। तो गाइस तो भाइयों देख लो ऐसी जगह है, रशिया की ट्रेन ऐसी होती है, अंदर से होती तो काफ़ी खूबसूरत है। और मैंने क्या जब ये ट्रेन का टिकट करा था उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी सीट फुल हो गई थी, 3-4 सीट ही बाकी थी, तो मेरे को ये वाली सीट ले ली, सारी नीचे वाली सारी फुल थी और नीचे वाली ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बट अभी यहाँ कोई नहीं है तो मैं यहाँ बैठ के अभी खाना खाया था। अभी चलते हैं अस्त्राखान में जा रहा हूँ 4 साल बाद में, फर्स्ट ईयर में गया था मैं जिस टाइम मैं नया रशिया में आया था उस टाइम, वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं जो कि मेरे साथ आए थे सीकर से, और मैं आज उनसे जाके मतलब रात को पहुँचूँगा मैं 1 बजे, तो उनसे जाके मिलूँगा और बताता हूँ। बहुत अच्छी सिटी है, मतलब बड़ी है, उसको बड़ा गांव भी बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ा गांव जैसा एरिया है, वो एकदम साउथ के अंदर है। और अभी वहाँ पे गर्मी भी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मॉस्को वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है। सो लिया, मैं सोने का मन नहीं कर रहा बट सो के ही टाइम पास करना है, या फिर कोई अच्छा नेबर आ गया, कोई बात करने वाला आ गया तो फिर बात करते करते टाइम पास हो जाएगा। ऐसे मूवी भी देखने का मन नहीं करता, पता है जब ऐसे ट्रेन में जाते ना तब मूवी भी इतना नहीं देख पाते, मैं डाउनलोड करके लेके आया हूँ बट मन ही नहीं कर रहा वो कंटिन्यू देखने का। बाकी कोई नहीं, सफ़र करना है अभी मेरे को लगभग 10-11 घंटे और इस ट्रेन में। मैं यहाँ पहुँच गया था कल रात को और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो कल रात को वीडियो नहीं बना पाए, हाथ ठंडे हो गए थे, फिर यहाँ आए तो बात बात करने में भूल ही गए वीडियो का। मेरा दोस्त है, हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सब लोग, ये मेरा शुभम, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी यार फाइनली अस्त्राखान में आ गया रात को 4 साल बाद ना। 4 साल बाद हम मिले, वैसे हम इंडिया में मिले थे लेकिन अभी अस्त्राखान में अभी हम यहाँ पे मिले। अभी वीडियो तो देखी होगी, लास्ट वीडियो खाटू श्याम जी की, उसमें भी ये था। तो अभी मैं अस्त्राखान आया हूँ, मेरे को 19 घंटे लगे तंबाऊ से आने में यहाँ पे, और अभी यहाँ पे ठंडी कम है तंबाऊ के कंपेरिजन में। और अभी सुबह हुई है, उठे हैं हम, चाय वाय पियेंगे तब बाहर जाएंगे। बारिश का मौसम हो रहा है। अच्छा ये हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का हॉस्टल भी मैं दिखाऊंगा अलग से। एक और दोस्त है मेरा, सादिक नाम है उसका, वो सो रहा होगा अभी तो, उसका रूम अलग है।
बहुत ही प्यारा और बहुत ही मस्त आदमी है। तो भाई ये देख शादी मेरा फर्स्ट ईयर साथ में एरोप्लेन में बैठे थे। ये एक बार नया है, ये रूम है प्रकाश का, प्रकाश यहीं पर रहते हैं। चार ये भाई ये जो फर्स्ट ईयर मासूम सा बंदा आया था, रवि कहां से गांव गया? मासूम है, बहुत सीधा बंदा है यार, ये इसके जैसा कोई बंदा ही नहीं है। तुम कोई नहीं हो इसके जैसे बंदे। ये इतना अच्छा बंदा है ना, एकदम सीधा, गाय से भी सीधा है ये, जलेबी जैसा सीधा। हां जलेबी जैसा सीधा, सेम वाला सेम। मेरा नाम प्रकाश है। नहीं तेरा नाम डॉक्टर लाभ कैसे हो? तो भाई मैं खुद सीकर से हूँ, प्रकाश के बाजू वाले, मतलब मैं सिटी से हूँ, प्रकाश मेरे बाजू वाले गांव से, दातारामगढ़ से। अरे तू बता, ये मैं प्रकाश हूँ, फर्स्ट ईयर में दातारामगढ़ से आया हूँ। ये शादी का शादी में मतलब शादी का और मेरा नाम प्रकाश, और ये प्रकाश है, ये प्रकाश है। प्रकाश कल हाई फिट कटिंग करवा के दिखाना, प्रकाश कटिंग दिखा दिखा कितना तेज हो रहा है इस रूम के अंदर ना, मेरा आईपैड लेके सब ओमेगल में बैठे लड़कियां ढूंढ रहे हैं ना। अब देखा कितनी सारी भीड़ है। कैसे लग रहे है भाई लड़की के लिए? सारे के सारे बच्चर की जैसे बिन बिना रहे। विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिया, ये वो दाऊद प्रकाश, कब्रिस्तान। क्या बोल रही है? व्हाट आर यू डूइंग गाइस? स्नाइप पांगलीश की क्या बोल रहा है? देख रहे भाई? प्रकाश न बोले दवा प्रकाश नचना ऐसा रिचार्ज अचिन पेश ना कोई आराधना क्या यार प्रकाश, इतना अच्छा मौका था, हटाया तूने साले उसको, प्रकाश ना प्रकाश हटा दिया वो भाई। ये होता है उस टाइम में ना, ओमेगल में सब बिन बिना रहे आगे पीछे। ती का कोई गोरत यार